नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप मछली की खेती करना चाहते हैं यानी कि मछली पालना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरकार मछली कैसे पाली जाती है और कम लागत में आप अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, और आपको अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको सारी सुविधा मुहैया कराएँगे और आपको यह भी बताएँगे कि मछली पालन कैसे की जाती है, सीधे एक्सपर्ट से आपकी बात भी करवाएँगे। तो मैं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया। ग्रामीण अंचलों में हमारा लगातार आना जाना होता है, तो इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के शेखुपुर गांव में। और पिछली बार जब हम एक वीडियो में आपको मिलाए थे जिन शख्स से, उनका नाम है महेंद्र सिंह, तब हमने आपको इनकी पोल्ट्री फार्मिंग दिखाई थी। अभी हम ये इनका दिखा रहे हैं आपको फिश फार्मिंग, यानी कि मछली की खेती। मछली की खेती जो है वो एक जलीय खेती है। जिस तरीके से एक किसान खेती करता है, और खेती अगर अच्छी हो इसके लिए वो उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करता है, उन्नत किस्म के खाद का इस्तेमाल करता है, मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, उसी तरीके से मछली का बीज अच्छा होना चाहिए और पानी का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, पानी का जो पीएच वो भी इसके अनुकूल होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं, इस पर इनसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से मछली की खेती की जाती है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं महेंद्र सिंह से। तो चाचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। तो पिछली बार जब हम आए थे तो आपकी पोल्ट्री फार्मिंग देखी थी जी, मुर्गी पालन। अब इस वक्त आप मछली पालन में हाथ आजमा रहे हैं जी, तो कैसा अनुभव है आपका? मछली पालन बहुत बढ़िया है, कई लोग किए हैं अगल बगल, उन्हीं को देखी देखा हम भी किए हैं। तो अभी आप कितने दिनों से कर रहे हैं? अभी हमारा पहला है। पहला है? हाँ। क्या आपने कुछ मछली बेची भी? हाँ, 5.5 क्विंटल हमने बेचा जो है 20 दिन पहले। 20 दिन पहले? और कब आपने इसका बीज डाला? मार्च में। इसका बीज डालने का सबसे सही समय क्या होता है? वही मार्च है, फरवरी मार्च में डालते हैं। और लगभग कब तैयार हो जाती है? 6-7 महीने में 1 किलो हो जाता है। 1 किलो हो जाती है? तो फिर बीज कहाँ से लाते हैं? बीज इसका लोकल लोग भी पालते हैं और बंगाल से ज़्यादा आता है, फंगेसियस है इसको। हाँ। पियासी कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसका तो जो है पानी बदलना जरूरी होता है। अच्छा। तो फिर किस तरीके से इसको पाला जा सकता है? जैसे आता है फिश प्लास्टिक फिश फार्म टैंक भी आता है, उसमें भी लोग मछली पालन करते हैं और तालाब में करते हैं। तो आप तालाब में किए हैं, तो क्या किस तरीके से पानी लाते हैं और सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं? आइए इधर थोड़ा दिखाते रहेंगे विजुअल में, पीछे का सीन आप मछली को देख भी सकते हैं, दिख जाएंगी। तो चाचा बताइए कि पानी की सुविधा कैसे करते हैं? और यहाँ पर तो लोग यह भी कहते हैं कि जब कभी कचरा नीचे जम जाता है तो जो इसका पीएच मान है वो जाता है जी जी, तो उसकी वजह से मछलियाँ जो हैं, मछली के बीज जो हैं वो लगभग 10-15 दिन होते होते फिर मछली का जो बीज है यानी जो छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं जी। यहाँ देखिए एक बोरिंग किया हुआ है, बोरिंग से पानी भरा जाता है, इसका पानी जो है निकाला जाता है, पानी निकालने के बाद फिर ताज़ा पानी भरा जाता है। अच्छा। इसलिए इसमें कचरा नहीं हो पाता। अच्छा। तो और जो और लोग, बहुत से लोग हैं जो टैंक में करते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग कहते हैं कि जो उसका सतह होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है जी, तो मछलियों के अनुकूल नहीं है, उसमें मरते ज़्यादा है। मछली पालन तो ज़्यादातर कच्चे तालाब में सफल है, पक्के में उतना नहीं है। पक्के में जो है बच्चा लोग डाल के उसको बड़ा करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा जी। तो और मछली पालन के अलावा और पोल्ट्री फार्मिंग है आपका, और 2 से 3 है, और आप मछली पालन में हाथ आजमा रहे हैं, तो जो नए किसान हैं जो मतलब मत्स्य पालन करना चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए और कैसे कैसे आपने किया ये सारी चीज़ें? अभी तो हमने जो पहली बार किया था वहाँ, जो पिछली बार आप जहाँ मुर्गी फार्म यहाँ गए थे। हाँ। वहाँ मैंने 5 बिस्तक बनवाया था, उसको पटवा कर उसी में मुर्गी फार्म बनवाया। अच्छा। 1 साल वहाँ तो हम किए थे, इसमें 30% मुनाफा है। 30%? हाँ, 6-7 महीने में 30% मुनाफा है। तो लागत कितनी आती है अगर किसी को, जैसे प्यासी ही आपने क्यों डाली दूसरी? प्यासी इसलिए डाला है कि प्यासी जो 6-7 महीने में तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ हमने इसमें देसी बीज डाला है, रोहू भाकुर नयन, वो हमारा जो है फ्री में तैयार हो जाएगा। और बाकी जो मछलियां होती हैं वो 8-10 महीने में तैयार? नहीं, 1.5 साल हो जाता है, 1 साल के ऊपर होता है।
तो इसलिए जल्दी तैयार हो, जल्दी से आपको मतलब जो लागत है वो भी निकल पाए, मुनाफा भी हो पाए इसके लिए आपने। लेकिन खाने में कैसी होती है? खाने में बहुत टेस्टी होती है, हम तो खाते हैं मछली। अच्छा। इसका जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका मार्केट भी बड़ा अच्छा है। माना जाता है कि इंडिया में 60% लोग हैं जो मछली खाना पसंद करते हैं, मछली का शौक है। जी जी, जैसे मुर्गी फार्म में ब्रायलर मुर्गा अगर न हो तो किसी का काम नहीं चलता, वही हाल प्यासी मछली का है। प्यासी मछली आप देखेंगे हर बाजार में, जहाँ भी देखेंगे प्यासी मछली ब्रायलर मुर्गा जरूर मिलेगा आपको। तो इस तरीके से यानी कि प्यासी जो है वो मार्केट में ज्यादा बिकती है, लोगों की डिमांड है। जी जी जी, पहले जो है आंध्रा से आती थी, 8-10 साल पहले आपने देखा होगा, वो बर्फ वाली मछली थी, अपने यहाँ नहीं होता था, लेकिन उसका जो है लोग यहाँ कल्चर करने लगे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। 30% मुनाफे वाली यह खेती है मछली पालन। जी जी, तो लागत कितनी आएगी आपका, पूरा कितना है मतलब? हमारा जो है 8 बिस्सा में है, 5,000 हमने डाला है इसमें। 8 बिस्से में 5,000 जी डाले जी, इतने बड़े हो गए। तो इसमें से कितना बेच चुके होंगे? 5.5 क्विंटल हम बेच चुके हैं। 5.5 क्विंटल अभी कितना इसमें से? अभी लगभग 4,000 बच्चे हैं। अभी 4,000 बच्चे जी, मतलब 1,000 ही बेचे आपने? हाँ, 1,100 मिनिमम। तो लागत कितनी आई थी? अब लागत 45,000 का बच्चा था, 9 रुपए का एक पीस, और 70-80 बैग जो है चारा खाया अब तक। अच्छा। तो 1,750 रुपए बैग चारा है इसका, 40 केजी का। तो आप यह बताइए कि कोई एकदम नया किसान जिसको यह मत्स्य पालन करना है, खुदाई से लेकर अगर इतने ही एरिया में उसको करना है, तो खुदाई से लेकर समरसीबल तक का पूरा लागत कितना आ जाएगा? खुदाई से 8 बिस्सा तालाब बनाने में कम से कम 50-40-50 हज़ार आप समझ लीजिए तालाब बनवाने में लगेगा। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए इसका जो है फार्मिंग करने में, और मशीन लगवाने में भी 1 लाख रुपए पकड़ लीजिए। अच्छा, कुल 5-5 लाख? हाँ, 5 लाख लगा देंगे तो फिर उसके बाद? जी जी जी, तो फिर उसका 30% प्रॉफिट हो जाएगा। जी अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा कि ये है महेंद्र सिंह, और इनकी पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा ये फिश फार्मिंग में हाथ आजमा रहे हैं, और प्रॉफिट बता रहे हैं कि लगभग 30% प्रॉफिट इससे इनका है। और इसके अलावा और भी कोई और फार्म इसका डाल रहे हैं आप? मछली का नहीं, नहीं, एक बगल हमारा 8 बिस्सा का और खेत है। अच्छा। इसको भी बनवाएंगे। अच्छा। जी, इसके बाद एक और पीछे इनका जमीन है 8 बिस्सा, वहाँ भी बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, इसीलिए अब पहले के बाद दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इनकी 3 है, और 2 बड़ी पोल्ट्री फार्मिंग है, वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। पिछली बार हमने जो किया था उसके अलावा भी अब शायद 10-10 हज़ार की क्षमता वाली पोल्ट्री फार्मिंग इनकी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, हम जो जानकारी हमको है वो ज़रूर देंगे, और लोगों की मदद से भी आपको जानकारी मुहैया कराएंगे। धन्यवाद।